हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। इस वीडियो में जानेंगे कि बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी एप्लीकेशन के हम कैसे किसी फोल्डर को लॉक कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, आपके पास कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई ऐसे फाइल्स होते हैं जो आप नहीं चाहते कि कोई और उस चीज़ को एक्सेस कर पाए। तो हम जानते हैं कि इसके लिए कई सॉफ्टवेयर तो हमारे पास आते हैं, लेकिन पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर भी आप उसको कैसे छिपा सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करें जिसमें आपको उस फाइल को लॉक करना है। एक जैसे एक फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेवन इंस्पायर्स, इसमें मैं अंदर गया, एक फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। मान लो मुझे इस फोल्डर जो शुभम 3 नाम का जो फाइल है लॉक करना है, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम का एक फाइल क्रिएट कर लीजिए। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, मैं आपके सामने इसीलिए लाइव कर रहा हूँ चीज़ें, ताकि आपको पता क्लियर हो जाए चीज़ें होती कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स नाम से आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आप इसको ओपन कर लें। ओपन करने बाद यहाँ एक छोटा सा कोड लिखना है, जिसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आप उसको चाहे तो कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें जैसे आपको दिख रहा है वंडर हाउ टू गो, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इससे जगह आपको अपना पासवर्ड डालना है। जैसे मान लो लेट सपोज, बहुत आसान पासवर्ड लिखते हैं 1234, 1234, ये पासवर्ड ले लिए। इसके बाद इसमें आपको कुछ भी और चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या जाना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद जाना है आपको सेव एज में। सेव एज में जाने के बाद जो डॉट टी एक्स टी है, उसको आप लिखना है BAT फाइल, इसको सेव वहीं करना है। और यहाँ पर कर दें ऑल डॉक्यूमेंट्स, इसको कर दें आप सेव। ठीक है, आप सेव कर दिए। इसके बाद आप बैक आ जाइए। यहाँ पर बैक आइएगा तो आप देखिएगा कि एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स डॉट BAT से। इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं प्राइवेट नाम से एक नया फोल्डर यहाँ बन चुका है। इसी के अंदर आपको जो भी फाइल डालना है उसको आप डाल सकते हैं। जैसे ये लिया मैं और इसमें डाल दिया, तो आप देखते हैं इसके अंदर चला गया। अब आपको इसका देखते हैं हम कैसे यूज होता है। इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, पूछता है आपसे कि आर यू श्योर टू लॉक दिस फोल्डर, यस और नो। आपको यहाँ पे कैपिटल में लिखना है यस, यानी कैपिटल में वाई, और यहाँ मैं इसको ओके कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका फाइल हाइड भी हो गया और आपका फाइल लॉक भी हो गया। कोई भी इस नहीं जान पाया कि यहाँ कोई फाइल था पहले से। ठीक है, तो आप देख सकते, बहुत ही आसान मेथड था जिससे हम किसी भी अपने जो फाइल था उसको हम हाइड कर पाए, उसे लॉक कर पाए। अब जानते हैं कि उस फोल्डर को अगर मुझे दोबारा उसमें एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसलिए सिंपल है, आप इसी पर क्लिक करिए दोबारा। यहाँ पूछता है कि अपना पासवर्ड बताइए, तो अपना पासवर्ड 1234 आप इस पर इंटर कर दीजिए, आपका वो फाइल आ जाएगा। देख सकते आपका फाइल आ गया। तो ये बहुत ही आसान तरीका था जिसमें हम बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी एप्लीकेशन के अपने फोल्डर को लॉक करने में कामयाब हुए। अगर आपको इसका कोड चाहिए होगा तो मैं इसका कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको कॉपी कर लीजिएगा और आप वहां पेस्ट कर लीजिएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए जय हिंद जय भारत।